press the bell icon on the YouTube app and never. So, जगन मोहन रेड्डी को आपके हिसाब से फांसी, मेरे हिसाब से मुंह काला, और क्या ये पूरी चीज में जो तिरुमाला तिरुपति बोर्ड में एक क्रिश्चियन मेंबर है उनका कंट्रीब्यूशन है? मुझे ऐसा, अच्छा बाय द वे मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, जगन मोहन रेड्डी के बारे में जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो बहुत सारी बातें चलती थी। मैं किसी बात को ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है, ना मैं ये कह रही हूँ गलत है, बट ये कहा जाता था कि उनके पिता की मृत्यु वॉज नॉट नेचुरल एंड जगन मोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बहुत जल्दी बनना था बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो शिक्षित, सशक्त और बहादुर महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार गायत्री देवी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया लाइक खान जी। तो ये वीडियो जितनी दमदार होगी उतनी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गायत्री, मेरे मन में एक और चीज ख्याल आता है कि आखिर इस देश के हिंदू कितने दिन तक अपनी सहनशीलता दिखाते रहेंगे? छल तो तब भी हुआ था ना, जब मंदिरों का पावर नेहरू के नेतृत्व में सरकार के हाथ में ले लिया गया था, और बगल में पॉकेट में जमायतुल उलमा हिंद और दियोबंद और वक्फ बोर्ड चल रहा था पर उसका पावर नहीं लिया गया। छल तो तब भी हुआ था ना, जब सऊदी अरबिया के शहजादे के लिए मंदिरों पर पर्दा लगा दिया गया था और लाइलाहा का बोर्ड टांग दिया गया था। तो छल तो तब भी हुआ था ना, जब इंदिरा गांधी ने साधु स्लॉटर करवाया था। छल तो तब भी हुआ था ना, जब हमारे बापूजी ने मस्जिद से निकलवा दिया था हिंदुओं को कड़कड़े ठंडे में, दिसंबर जैसे दिल्ली के ठंडे में, कि मस्जिद में ना सो, बाहर मर जाओ तो मर जाओ पर मस्जिद में तुम नहीं सो सकते हो क्योंकि तुम हिंदू हो। छल तो तब भी हुआ था ना, जब महावीर के मंदिर में जा करके हमारे बापूजी ने कुरान की आयत पढ़ी थी, पर जामा मस्जिद तब भी था और जामा मस्जिद में उन्होंने भगवद गीता के अध्याय नहीं पढ़े थे। तो छल तो आज से नहीं हो रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के समय से हो रहा है और यह छल अभी आज फिर एक बार दिखाई दिया है। तो छल तो कंटिन्यू चल रहा है। मुझे उन महंत और उन संत को देखना है जो राम मंदिर के लिए गोली खाया करते थे, और जगमोहन रेड्डी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा हुआ देखना का, देखने की आस्था, इच्छा है मेरी, इच्छा है मेरी। दूसरी चीज में सत्ता के लोभी और सत्ता के लालची लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि भगवान से इतना भी ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा देश केदारनाथ बन जाए। जब छल हुआ था ना केदारनाथ में, तो केदारनाथ को भगवान शिव ने खत्म कर दिया था और दोबारा बसा केदारनाथ। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये देश भगवान मिल करके एक साथ खत्म कर दें और दोबारा बसाना पड़े भारत देश को। इस देश में सनातन धर्म को और हिंदुओं को खत्म करने की साजिश आज से नहीं, नेहरू के जमाने से चल रही है, और बहुत अपेक्षाएं थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, बहुत अपेक्षाएं थी और वो अपेक्षा अभी भी है, वो एक्सपेक्टेशन अभी भी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जगमोहन रेड्डी और उसके साथ मिले जुले जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये छल किया है मंदिर जैसी आस्था वाली जगह पर और 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है, उसके लिए केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगी। जी, तो जगन मोहन रेड्डी को आपके हिसाब से फांसी, मेरे हिसाब से मुंह काला, और क्या ये पूरी चीज में जो तिरुमाला तिरुपति बोर्ड में एक क्रिश्चियन मेंबर है उनका कंट्रीब्यूशन है? मुझे ऐसा, अच्छा बाय द वे मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, जगन मोहन रेड्डी के बारे में जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो बहुत सारी बातें चलती थी। मैं किसी बात को ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है, ना मैं ये कह रही हूँ गलत है, बट ये कहा जाता था कि उनके पिता की मृत्यु वॉज नॉट नेचुरल एंड जगन मोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बहुत जल्दी बनना था बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही इज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन। ही इज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन। नाम रेड्डी रखने से ऐसा नहीं होता है कि अगर आप क्रिश्चियन बन गए। अभी अभी रिसेंटली वो सीताराम येचुरी की डेथ हुई है, सबको पता है वो क्रिश्चियन रीति रिवाज से उनका लास्ट राइट्स किए गए, राइट? तो उसी हिसाब से जगन मोहन रेड्डी की जब मृत्यु होगी तब पता चल ही जाएगा कि वो क्रिश्चियन थे या नहीं थे, बट सीताराम येचुरी पूरी जिंदगी छुपाते आए हैं। तो उनके पिता की मृत्यु में भी संदेह बहुत ज्यादा है। बाकी समझदार है लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज कहा जाता है किसी इंटरनल बंदे ने बहुत बड़ा सैबोटेज किया था, जो एक्सीडेंट हुआ था जो उनके फादर का हुआ था, इट वाज नॉट नेचुरल, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट,
इट वॉज अ ह्यूमनली इंटरवेंशन फॉर एन एक्सीडेंट. नाजिया आपके लास्ट कमेंट्स प्लीज. जी देखिए, मैं मुझे बहुत अपेक्षा है चंद्रबाबू नायडू जी से. और देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ चुका है. एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और चोर की दाढ़ी में तिनका भी बहुत अच्छे तरीके से नजर आ चुका है. और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी ने इस पूरे षड्यंत्र का, इस पूरी साजिश का और इस पूरे छल कपट का खुलासा किया है और प्रसाद को लैब में भेज करके टेस्ट करने के बाद लैब के रिपोर्ट को दिखा करके खुलासा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा और एक ऐसी जांच एजेंसी जिसमें हर एक का असली चेहरा सामने आए. एंड द सेकेंड थिंग इज कि इमीडिएट विद इन अ वीक केंद्र की सरकार तमाम मंदिरों के बोर्ड कमेटी मेंबर को का जांच करे और जितने भी मुसलमान क्रिश्चियन उसमें बोर्ड मेंबर बनकर के बैठे हुए हैं उनको तुरंत वहां से निकाला जाए धक्के मारकर. जी नाजिया, एक पॉइंट डेफिनेटली मैं यहाँ पर शेयर करूंगी क्योंकि आपने बोला कि मंदिरों को उनके उससे हटाया जाए, इन्फ्लुएंस से हटाया जाए, चाहे उनका कंट्रोल हो या उनकी कमेटी और जो बाकी वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन हो वहां से हटाया जाए. पवन कल्याण ने टाइम फॉर सनातन धर्म रक्षणा बोर्ड के लिए काफी बड़ी रिक्वेस्ट की है. पवन कल्याण अपने हिंदूवादी विचारों के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं. पर एक चीज और यहाँ पर कहूंगी, चंद्रबाबू नायडू ने जो ये खुलासा किया है, आपको क्या लगता है जगनमोहन रेड्डी की पॉलिटिक्स का दी एंड हो गया है यहाँ से? क्योंकि इतना घिनौना काम करने के बाद भी अगर उनको क्रिश्चियन मिशनरीज के वोट तो बड़े भर भर के मिलेंगे, मुसलमानों के भी मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों कम्युनिटीज के मिलेंगे, बट क्या हिंदू इसके बाद? देखिए गायत्री, जिस तरह से कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा और उसके लिए उसके बाद उनका उनकी दुर्दशा इस पूरे देश ने देखा है, इस पूरी दुनिया ने देखा है. एक एक सीट के लिए उनको कैसे नाक रगड़ना पड़ा था इस देश में. आज भी कांग्रेस अपने आप को संभालते नहीं संभाल पा रहा है. राहुल गांधी जहर उगलते जा रहे हैं, राहुल गांधी जी विदेश विदेश में जाकर के भारत की बुराइयां कर रहे हैं, राहुल गांधी मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी आतंकवादियों के साथ हाथ मिला करके अपनी राजनीति को अंजाम दे रहे हैं. लेकिन फिर भी सत्ता की लोभ और लालच और लालसा पूरी नहीं हो पा रही है. उसी तरीके से जगनमोहन रेड्डी जी का पॉलिटिकल करियर तो अब समाप्त है. अगर हिंदू कुछ ऐसे लिब्रांडो हिंदू हैं जो नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ऊपर बैठा है और भगवान के हिसाब किताब जो होता है ना वो बिल्कुल सही होता है और सत्य होता है, तो जैसा हाल राहुल गांधी का हुआ है उससे भी बुरा हाल जगनमोहन रेड्डी का होगा. थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग एंड ध्यान रखिए आप अपना, आप बहुत सेहतमंद रहे, आप सुरक्षित रहे. आपकी सुरक्षा के लिए तो स्पेशली अब ज्यादा प्रे करना पड़ेगा, भगवान जी से मांगना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पीछे कुछ एक लोग लगे हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आप जो ये मुस्कुरा रही हैं, तो बोलते हैं ना इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, कुछ उसी तरीके मुझे समझ में नहीं. गायत्री जी, मैं इसको जरूर बोलना चाहूंगी. मैं एग्जैक्टली इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो. होता क्या है ना कि ये जो शांति प्रिय कमेटी है ये पहले हाय हल्ला करती है, उसके बाद फिर छाती पीटती है, फिर गुस्ताखे रसूल की सजा का नारा बुलंद करती है, फिर इस्लामिक मजलिस करती है, फिर कोर्ट कचहरी करती है. और जब इन पांचों चीजों से कोई व्यक्ति जिंदा बच जाता है और वो बैकफुट में नहीं जाता है तो फिर उसका मर्डर होना लाजमी होता है, जो मेरा होगा आज हो या कल हो, रेकी करके मेरा मर्डर होगा. और उसकी स्ट्रैटेजी बन भी रही होगी या यू यू कह लें कि रेडी भी हो चुकी हूँ. जिस तरह से मेरे खिलाफ हैंडबिल बांटे गए थे, जिस तरह से मेरे खिलाफ पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चलाया गया था, जिस तरह से मेरे खिलाफ शिवम क्रिकेटर शिवम दुबे की वाइफ अंजुम खान ने एक मुहिम चलाई थी, जिस तरह से पाकिस्तान में मुहिम चल रही थी और पाकिस्तान की फंडिंग पर पश्चिम बंगाल में मेरा सरतन से जुदा करने का, मॉब लिंचिंग करने का पूरा इंतजाम हुआ था, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए सिर्फ मौत ही है जो तैयारी हो रही होगी. तो इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ और गम को छुपा रही हूँ. आप बहुत बहादुर हैं, इतने थ्रेट्स के बाद भी इतना खुलकर बोल रही हैं, बहुत बहादुर हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. आप देखिए नाजिया इतने थ्रेट्स के बाद भी, सरतन से जुदा वाली वीडियो इनकी वायरल हो रखी है इस वक्त, फिर भी यहाँ आकर हमसे बात कर रही हैं, आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए. जागिए, बातें फैलाइए, लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए, वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए. और अगर आप कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहते हैं तो
दिए गए नंबर के ऊपर आप कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर भारत माता की जय, हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा आज नाजिया खान जी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आई, क्योंकि नाजिया खान बीइंग अ मुस्लिम वो तो जाग उठी है, पर 100 करोड़ हिंदू कब जागेगा जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा जाग चुका है। जी हाँ, वो हिंदू जिनको सेकुलर कहा जाता है और जिनको लिब्रांडू भी कहा जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू और सनातन धर्म के साथ क्या हो रहा है, पर नाजिया खान जी हम सबके लिए आवाज उठा रही है, तो हम सबका कार्य और फर्ज बनता है कि हम नाजिया खान जी को सपोर्ट करें। तो चलिए मिलकर नाजिया खान जी को सपोर्ट करते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।